हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए शिक्षा संबंधी एक और न्यूज़ लेके आया हूँ, जो बीएड करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो भविष्य में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पहले मैं बताना चाहूँ, जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी शिक्षा संबंधी सूचना होगी वो आपको मिलती रहेगी। नेट तथा अन्य सभी खबरों के लिए, स्पेशल ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए मेरा जो भी न्यूज़ होगी मैं बताऊंगा, तथा जो भी शिक्षा से संबंधित कोई भी A to Z कोई भी न्यूज मिलती है वो आपको चैनल पर सर्वप्रथम मेरे चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो राइट हैंड पर एक बेल आइकन होगा उसको जरूर दबाएं। देखिए इसमें प्रमुख क्या बात है, इसमें चार प्रमुख बातें हैं। देखिए, जो आपकी BEd 5 साल में मिलती थी अब वो मिलेगी कितने साल में, 4 साल में। तो ऐसा क्यों मिलेगी मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो इसलिए मैं आपको एक एक सारी चीज़ें बताता चलूँगी इसमें क्या क्या नया है। देखिए इसमें चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले कि आपको 5 साल मिलती थी, कैसे मिलती थी वो भी बताऊंगा, अब 4 साल में कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ 5 साल में कैसे मिलती थी। आप इंटर करने के बाद क्या करते थे, स्नातक करते थे। 10+2 करने के बाद क्या करते थे, स्नातक करते थे। स्नातक कितने साल का होता था, 3 साल का, प्लस उसके बाद 2 साल का BEd होता था। तो ये कितने साल हो गए, 5 साल। अब क्या किया है, अब 4 साल कैसे, जो लोग इंटर पास आउट हैं वो लोग केवल BEd में एडमिशन ले लेंगे 4 साल के लिए। उन कॉलेजों में एडमिशन होगा जो BSc तथा सारे कोर्सेज कराते हैं, BSc, BCom तथा BA, इन चारों तीनों कोर्सों को कराते हैं, वहाँ आपको BEd के लिए एडमिशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो BA करना चाहते हैं वो BA तथा वो जो BSc करना चाहते हैं वो BSc के माध्यम से पढ़ेंगे, और साथ साथ में जो BEd की पढ़ाई होती थी वो सिलेबस में इंक्लूड की जाएगी। चलिए पूरी जानकारी के लिए मैं आज जो न्यूज़पेपर में आया वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, इंटर पास विद्यार्थी कर सकेंगे BEd की पढ़ाई, जो आपका आज के दैनिक जागरण के पेपर की कटिंग है वो आपको बता दूँ। और 31 जुलाई तक NCTE वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के निर्देश, जो भी कॉलेज कराएंगे उन कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने कॉलेजों का ब्यौरा दें तथा इसके लिए एप्लीकेशन करें कि आप ये कोर्स कराने के लिए मान है कि नहीं है, आपको मान्यता मिलती है कि नहीं मिलती। तो उस क्रम में NCTE की फुल फॉर्म की होती है, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जो पूरे देश के लिए होता है। देखिए सिर्फ सूबे में, अब सूबे मतलब उत्तर प्रदेश का है लेकिन ये पूरे देश में आपको जारी हो जाएगा। सूबे में अब इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी भी BEd की पढ़ाई कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ने 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा, देखिए इस 4 वर्षीय कोर्स को किस नाम से कहेंगे, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को यह नया कोर्स शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं। जो भी आपके BA, BCom, BSc कराते हैं वो उच्च विश्वविद्यालय होते हैं जो आपके होते हैं, और जो यूनिवर्सिटी होती है उनके जो यूनिवर्सिटी होती है उनसे महाविद्यालय जुड़े होते हैं, और जो जो यूनिवर्सिटी है वो NCTE निर्देश पर करेगी। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। देखिए और आगे क्या लिखा गया है इसमें, अभी तक विद्यार्थी स्नातक के बाद 2 वर्षीय, देखिए स्नातक 3 वर्ष का प्लस 2 वर्षीय BEd 5 साल हो गया आप लोगों के लिए, कोर्स की पढ़ाई करता था, ऐसे में उसे इंटर करने के बाद 5 साल BEd की डिग्री मिल पाती थी, 5 साल में BEd की डिग्री मिल जाती, अब उसे सिर्फ 4 साल में डिग्री मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, देखिए आगे दिया हुआ है, ये 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कोर्स कला विज्ञान दोनों वर्गों के विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। ऐसे संस्थानों को जहाँ पर BA, BSc के कोर्स चल रहे हैं वहीं पर ये कोर्स चला सकेंगे, जहाँ पर BA, BSc के कोर्स चल रहे हैं वहीं पर ये कोर्स चला सकेंगे। इसलिए आपको 4 वर्ष में आपको क्या मिल जाएगी, BEd की डिग्री। तो इसमें सहूलियत ये रहेगी, आप लोगों का 1 साल बचेगा जो आगे भविष्य में करना चाहते हैं। तो 31 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों के लिए मांगे गए हैं आवेदन पत्र, जो कि NCTE के द्वारा मांगे गए, 31 जुलाई तक ही कर सकते हैं, 31 जुलाई तक ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर तरह की हर शिक्षा संबंधित सूचना मिलती रहे। तो एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो आप लोगों का NTA NET का जो चल रहा था कार्यक्रम चल रहा था वो आज ख़त्म हो जाएगा, 28 तारीख लास्ट डेट है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आंसर की बताइए। देखिए जितना भी मुझे पॉसिबल हो सके, क्वेश्चन मिल सके, मैंने उन सब के आंसर की बता दिए। अब जो भी आंसर की जाएंगी वो NTA की तरफ से ही आएंगी, NTA NET की जो भी साइट पर आएगी वो आपको मैं तुरंत ही बता दूंगा। आपको इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर ज़रूर करें,
और जो भी आपको आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये, जो आप लोग 4 साल में 5 साल में कर पाते थे, अब 4 साल में डिग्री मिल जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। देखिए, थैंक ऑल द बेस्ट।